और चलिए अब नेपानगर की बात करते हैं। यहां पर भी शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। शराब माफियाओं के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 1 इलाके में कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल इस मौके पर मौजूद रहा। तो आपको हम बता रहे थे ये दो शहर, पहले हमने इंदौर के बारे में भी बताया और अब नेपानगर से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहाँ पर एंटी माफिया अभियान के तहत जो है कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलवाया गया है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर और नेपानगर की, जहां पर एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध जो निर्माण है, माफियाओं के जो ठिकाने हैं, उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। दो तस्वीरें नेपानगर और इंदौर से। एक जगह मैरिज गार्डन पर जो है ये बुलडोजर चला है इंदौर के अंदर, और नेपानगर के अंदर भी रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 1 के पास कुछ अवैध निर्माण किया गया था, उसको गिरा दिया गया है। वहीं एंटी माफिया अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त करवाई गई है इस अभियान के तहत। प्रदेश की जमीनों पर पहला हक गरीबों का है और प्रदेश की जमीनों पर पहला गरीबों का है। अभियान को और तेज गति से चलाया जाएगा, ये कहना है गृह मंत्री का। माफिया मुक्त अभियान इंदौर से शुरू हो चुका है और किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनते हैं गृह मंत्री को। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन माफियाओं की चंगुल से मुक्त कराई है। ये गरीबों की भूमि पर या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके ये जो माफिया बने हैं, तो इन पर पहला हक तो गरीबों का ही है, और इसलिए इस अभियान को और गति से चलाकर जो ऐसे लोग हैं उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। ये अभियान इंदौर से प्रारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश में माफियाओं से जमीन मुक्त करा के गरीबों को देंगे, आवास बनाएंगे।